हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव। फ्रेंड्स, पटना मेट्रो के लिए कुछ ताजा अपडेट है। पटना मेट्रो रेल के लिए कर्ज देने से पहले जापान की काम 6 महीने बिहार में रहेंगे अधिकारी। जापान के अधिकारी जो है बिहार में रहेंगे। पटना मेट्रो के लिए फंड की व्यवस्था राह में पे अब तक फंसा हुआ है। जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी लोन देने में रुचि दिखाई है, लेकिन इससे पहले एजेंसी के ऑप्शन 6 महीने प्रोजेक्ट के काम को देखेंगे। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पटना मेट्रो को जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी जायका से जल्द ही ऋण मिल सकता है। जायका की केंद्रीय टीम अगले 6 माह तक पटना में ही कैंप करेगी। इस दौरान टीम पटना मेट्रो की पूरी व्यवस्था का आकलन करेगी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगी। टीम के सदस्य पटना मेट्रो के प्रस्तावित दोनों रूट पर पाइलिंग से लेकर स्टेशन एवं डिपो सरकार की हिस्सेदारी केवल 40% है। पटना मेट्रो के काम का बड़ा हिस्सा सॉफ्ट लोन के जरिए पूरा किया जाना है। पटना मेट्रो निर्माण की लागत करीब 13,925 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी मात्र 20% है। शेष राशि जो 60% राशि है वित्तीय संस्थाओं से सॉफ्ट लोन के रूप में मिलना है। जायका ने इसके लिए रुचि दिखाई है। अंडरग्राउंड रूट के काम में आएगी तेजी। पटना मेट्रो कार्य के अध्ययन के लिए आएगा जापान।